दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचा। एक नए फलक में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में आपको तड़के के बारे में समझाया, कढ़ी की मीठी कढ़ी, खट्टी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी। आज हम दाल के बारे में लेंगे। दाल हम घर में बनाते हैं, गुजरात की मीठी दाल बनाते हैं और पंजाबी दाल भी बनाते हैं। तीनों में अलग अलग तड़का पड़ता है। गुजराती दाल में हम पंजाबी तड़का नहीं लगा सकते क्योंकि वो दाल अच्छी बनेगी ही नहीं, और पंजाबी दाल में हम गुजराती दाल का तड़का नहीं लगाएंगे क्योंकि पंजाबी दाल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आज हम पहले गुजराती दाल के बारे में जानें। गुजराती दाल तुहर की बनती है। तुहर दाल मीठी होती है गुजरात की। गुजरात की मीठी तुहर दाल में क्या क्या बनती तड़के लगते हैं, तो उसके तड़के में पहले तो घी का तड़का दिया जाता है। और घी के तड़के में कौन सी सामग्रियां होती है, तो पहले हम ये जान लें, ये तज पत्ता, ये साबुत लाल मिर्च, ये राई जिसे हम बोलते हैं सरसों के बीज, ये लौंग और ये तज, इसे दालचीनी भी बोलते हैं हम। तो ये पांच जो चीजें हैं, और ये कड़ी पत्ता, ये भी हम गुजराती दाल में डालते हैं। गुजराती दाल में अगर हम यही चीज डालें तभी हमारी दाल टेस्टी बनेगी। और गुजरात की दाल हर होटल में मिलती ही है, लेकिन उसका जो तड़का है वो अलग सा है। पंजाबी दाल का और गुजरात की दाल का सब तड़का अलग है। तो हम घी का चौक लगाए और इसमें ये जो सरसों का बीज, ये है साबुत लाल मिर्च, ये कड़ी, ये तमाल तज पत्ता, ये दालचीनी और ये लौंग, और इसे बोलते हैं कड़ी पत्ता। ये छह चीज़ें गुजराती दाल में बनती है। गुजराती दाल जब बनाए तो आप यही चौक लगाए तभी आपकी दाल टेस्टी ज़्यादा लगेगी। आप समझ गए होंगे कि गुजराती दाल में कौन सा तड़का पड़ता है। अब हम पंजाबी दाल में देखें, तो पंजाबी दाल में ये राई नहीं लगती, ये जीरे का तड़का लगता है और लहसुन और प्याज का तड़का लगता है। अब पंजाबी दाल में कौन कौन से तड़के होता है, तो लहसुन, प्याज, लौंग, दालचीनी, तजपत्ता, साबुत लाल मिर्च और जीरा, इतने ही तड़के पंजाबी दाल में बनते हैं। पंजाबी कोई भी दाल बनाओ, क्योंकि पंजाबी दाल दो या तीन दाल इकट्ठा करके बनाते हैं, कोई एक दाल जैसी नहीं होती। चने की या उड़द की या मूंग की एक अकेली सी दाल नहीं होती, दो या तीन दाल दोनों मिलाकर करते हैं हम, दो या तीन दाल इससे भी ज़्यादा मिला के बनाते हैं। तो ये जो दाल मिलाते हैं इनमें सारी दालों का स्वाद एक दूसरे को क्रॉस ना करे, इसीलिए इसमें जो तड़का है वो हम थोड़ा बढ़िया डालते हैं। तो फिर से देख लो, ये है प्याज, लहसुन, दालचीनी, लौंग, ये है जीरा, साबुत लाल मिर्च और ये है तजपत्ता। ये सात आइटम है वो हम पंजाबी दाल में डालते हैं। पंजाबी कोई भी दाल बनाओ, आप मूंग या मसूर की दाल बनाओ या मूंग या चने की दाल बनाओ, चने मूंग या मसूर तीन साथ बनाओ, या राजमा और मूंग की दाल साथ बनाओ, सोयाबीन बनाओ, कोई भी दाल आप बना सकते हो, लेकिन पंजाबी दाल में ये तड़के पड़ते हैं। यहाँ राई का तड़का पड़ेगा नहीं, ना तो यहाँ साबुत धनिये का तड़का पड़ेगा, ना साबुत मेथी दाने का तड़का पड़ेगा, लेकिन बस इतने से तड़के से हमारी पंजाबी दाल बनती है। तो मैं सोचती हूँ कि आपको ये तड़का किस में कौन सा तड़का जाता है वो आपको अगर ये तय हो जाए तो आपकी मीठी दाल और पंजाबी दाल दोनों बनाओगे तो दोनों अलग हो ही जाएगी, क्योंकि तड़के की वजह से दाल अलग हो जाती है। सब दालों का रंग, सब दालों का स्वाद एक जैसा होता है जब आप उसे उबाल लो, लेकिन तड़का लग जाएगा त,
तभी आपकी दाल अलग हो जाएगी, उसका स्वाद अलग हो जाएगा, उसका जायका अलग हो जाएगा और उसका पहचानना भी अलग हो जाएगा। तो मीठी दाल में कौन से तड़के पड़े वो आपने देखे, पंजाबी दाल में कौन से तड़के पड़े वो आपने देखे। अब हम उड़द दाल खाते हैं, सिंपल सी दाल खाते हैं कभी कभी, तो उसमें कौन से तड़के पड़ेंगे? तो सिंपल सी दाल में और कोई तड़का नहीं पड़ेगा। देखो कभी कभी हम सिंपल सी दो या तीन दाल बना देते हैं, तो इसमें ये लाल मिर्च, राई और लहसुन, इतने तीन ही तड़के हमारे सिंपल सी दाल में पड़ेंगे और कोई तड़का पड़ेगा नहीं। तो उड़द की दाल जो हम घर में बनाते हैं, या गाँव में भी सिंपल सी दाल बनती है, अकेली चने की बनती है, अकेली उड़द की बनती है, अकेली मूंग की दाल बनती है, तो ये सिंपल सा तड़का जो है उसके अलावा कोई तड़का पड़ेगा नहीं। हर घरों में बनती है ऐसी दाल, तो ये चार ही तड़के ऐसे हैं जो सिंपल दाल को बना देते जायकेदार। तो लहसुन, साबुत लाल मिर्च, जीरा और राई, गाँव में जो दाल बनती है अक्सर इन चारों सामग्री से तड़के लगते हैं। आपको तड़के में, दाल के बारे में तड़के में पता चल गया होगा कि मीठी दाल में कौन सा तड़का पड़ता है, पंजाबी दाल में कौन सा तड़का पड़ता है और सिंपल दाल में कौन सा तड़का पड़ता है। ये तीनों दाल अलग अलग पड़ जाएगी। आप सिंपल दाल बनाओ तड़के से आप पंजाबी बनाओ या तड़के से आप मीठी दाल बनाओ, तीनों में अलग अलग डिफरेंट स्वाद का आ जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट तो आप बनाने के बाद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।